लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत आज उगते सूरज के साथ हुई और जो नहाए खाए है उसके लिए श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा जल साथ लेकर घर लौट रहे हैं। बता दें आपको कि गंगा जल का बड़ा ही महत्व इस लोक आस्था के पर्व में है। आज नहाए खाए है और कल खरना है। खरना में जो व्रती होंगे वो रोटी और गुड़ से बने खीर से भोग करेंगे, उसके बाद पूजा के साथ ही जो 36 घंटे का निर्जला उपवास है उसकी शुरुआत होगी। खरना के अगले दिन जो पहला अर्घ है वो शाम में डूबते सूरज को दिया जाएगा और उसके साथ चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ देकर इस महापर्व के समापन किया जाएगा। देखिए ये तस्वीरें जो हमारे सहयोगी बादल ने पटना सिटी से भेजा है, जहां श्रद्धालु और जो व्रती हैं वो गंगा स्नान करने पहुंचे हैं। हर कोई गंगा जल को अपने साथ ले जा रहा है और इस महापर्व की जब शुरुआत हुई है तो उसमें पूरे लोग भक्ति में डूब गए हैं। आस्था जो है छठ में वो निकलकर सामने आ रहा है कि देखिए बड़े पैमाने पर पटना के विभिन्न घाटों पर जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान करने पहुंचे हैं। इसी क्रम में जो तमाम तैयारियां नगर निगम और सरकार द्वारा की गई है वो भी घाटों पर नज़र आ रही है। जो NDRF की टीम है उन्हें तैनात कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक सबसे बड़ा पर्व जो है छठ, उसकी शुरुआत हुई है और हर कोई भक्तिमय हो गया है। लगातार छठ को लेकर जो तैयारियां हैं वो भक्त जन कर रहे हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। व्रती जो हैं वो तैयारियों में जुटे हैं और आज नहाए खाए के साथ जो छठ की शुरुआत हुई है उसकी तस्वीरें गंगा घाट से सहयोगी बादल के इस रिपोर्ट में देखें।